चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रायसेन जिले में इन दिनों एक पुलिस अधिकारी लोगों को पर्यावरण के प्रति अनोखा संदेश दे रहे हैं। जी हां, जिले के बेगमगंज अनुभाग के एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव पुलिस की नौकरी के साथ साथ स्कूलों में जाकर बच्चों को पौधारोपण का महत्व बता रहे हैं और उन्हें सीट बॉल गिफ्ट कर रहे हैं। एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि करीब 5 साल से वे फलों के बीज इकट्ठे कर उन्हें मिट्टी और गोबर खाद से एक बॉल का स्वरूप देकर तैयार करते हैं और फिर उन बॉल को लोगों में निःशुल्क बांट देते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों को एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाने का संदेश दे रहे हैं। ऐसे में हमें इस अभियान से जुड़कर पर्यावरण का संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी आह्वान किया है एक पौधा अपने माँ के नाम, इसी अभियान के तहत ही ये सीड बॉल वितरण करके लोगों में हम जागरूकता फैला रहे हैं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो जिससे पर्यावरण बच सके, पर्यावरण का संरक्षण हो, संवर्धन हो। मैं एक्चुअली जो सीड रहते हैं, जो फलों के बीज रहते हैं, वो उसमें गोबर की खाद और राख मिला के मिट्टी में और सीड बॉल तैयार करते हैं। तो गोबर की खाद जो रहती है वो प्राकृतिक उर्वरक है और जो राख रहती है वो प्राकृतिक कीटनाशक है। इसकी वजह से गोही जो है वो सीधे उसका अंकुरित होके और उसका वृक्ष का रूप लेती है। इसको कोई देखभाल की आवश्यकता नहीं है, कोई गड्ढा करने की आवश्यकता नहीं है। जब अनुकूल परिस्थिति मिलती है, इसको नमी मिलती है, वैसे ये उग जाते हैं पौधे।